और अज साढ़ा इत्थे 16वां दिन है बैठे दे अस हंगर स्ट्राइक इत्थे स्ट्राइक पर 16 दिन होए इन्नी गर्मी च इत्थे बैठे दे सानू ना सानू एल जी तरफा ना सानू सेंटर तरफा सानू कोई आश्वासन मिलिया ना सानू ये आख्या गया कि तुंदी जायज जिहड़ी मांग है जिहड़ी जल्द पूरी की जा। 16 दिन अस गर्मी च बैठे दे भारतीय जनता पार्टी के सामने कार्यालय सामने इत्थे बैठे दे ये भी आश्वासन दिया करदे न कि अस तुंदा मसला हल करवाने मगर असें कोई राह नहीं लब्भा दी आश्वासन हल करवाने की। इत्थे हर एक बंदा इत्थे आइए आखदा भाई तुंदा मसला बड़ा जायज़ है तुंदे कन्नै बड़ी जनाजायती हुई है लेकिन मसला हल कराने पर कोई आखा नहीं करता। साढ़े एल जी प्रशासन तरफा भी असें देखिया चीफ सैकटरी साहब कन्नै मुलाकात हुई वह भी चुप चपीते आखा करते हैं तुंदा मसला हल करगे पर हल करने वाली तरफ कोई ध्यान नहीं दिया करता। अस तुसें इत्थों सुनाने एल जी प्रशासन ही सुनाने सेंटर की सुनाने अस पूरी सरकार की सुनाने कि अस ओले तक इत्थों उठने वाले अन्नी अज तक साढ़े मसला यह हल नहीं होंदा है और साड़ी जायज़ मांग इ कि पैटर्न पॉलिसी सानू दिता जा जे साड़ा हक है हर डिपार्टमेंट लगे करते काम करा करते हैं साढ़े को कम एक रेगुलर इंप्लाई अंगर लेता है लेकिन साड़ी जी मांग है वो वाल कोई नहीं दिखा करता। जब तक साड़ी मांग पूरी नहीं होंगी अस इत्थों उठने वाले नहीं हाँ भावें गर्मी हो सर्दी हो जो मर्जी हो साड़ा मसला हल करवाना पौग गवर्नमेंट की जैसे यहाँ बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल सोई हुई है। हम 12 साल से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं लेकिन इस बार हम सबका एक ही मकसद है हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है जब तक ना हमारा जो पॉलिसी का मसला जो है और सैलरी रेंस का जो मामला है वो हल हो जाए। 16 दिन से हम यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है और कोई यहाँ पे हमारे पास नहीं आया है। यहाँ हमारी बहनें हैं भाई हैं छोटे छोटे बच्चे हैं 46 डिग्री जो है टेम्परेचर है यहाँ पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है अगर हमारा मामला हल नहीं होता है हम इससे ज़्यादा जो है तेज़ी में अपना प्रोटेस्ट को जो है लाएंगे। इसीलिए हम हमारी जो है आपके माध्यम से गुजारिश जो है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र में सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे जो जायज़ इश्यूज़ जो है जो जनरल डिमांड्स है उनको जितना जल्दी हो सकता है उनको फुलफिल किया जाए।